तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल, और ये हमारे एडवांस एक्सेल का स्टार्टिंग है। इससे पहले हमने कुछ कुछ एक आध टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था उदय जी, राइट सर? टॉपिक क्या था सर? हेलो, हेलो, हेलो उदय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो उदय हेलो, जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर। नहीं, लास्ट आपने क्लासेस म्यूट में, कर दिया अच्छा वो, हाँ आपने लास्ट क्लासेस में, हमारी लास्ट क्लासेस में क्या बात हुई थी? मैं क्या क्लासेस किए थे हमने? शायद। पहला ही क्लास था अपना, फाइल फाइल में जाके उधर कैप्शंस कैसे यूज करना है आपने बताया था। अब होम बटन से हम लोग शुरू करने वाले थे आज। हाँ चलिए, मतलब कि हमारा, हम बात करें होम, जैसे हम मेनू बार चलेंगे सर, ठीक है ना? जैसे भी बात हुई थी हमारी, जी और आपको इसे मेनू बार चलने से फायदा ये रहा रहेगा कि कहाँ तक कोर्स पहुंचा है, ये आपका आइडिया रहेगा। इसलिए हम जी जी मेनू बार के हिसाब से चलेंगे। चलिए, तो हम मेनू बार में सबसे पहले होम मेनू बार में आते हैं। होम मेनू बार में स्टार्टिंग पोजीशन हमारा है क्लिपबोर्ड, मतलब कि कॉपी एंड पेस्ट। अब आप बोलेंगे सर कॉपी पेस्ट तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो कि हमें सीखना चाहिए, वो चीजें हम आपको इसमें बता रहे हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि हम सबसे पहले मतलब हर एक टॉपिक को बेसिक से एडवांस की तरफ ले चलेंगे, ठीक है? जी हाँ तो यहाँ पे हम इसी तरह से एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, क्योंकि छोटे से डेटा में इफेक्ट ज्यादा आता है। इफेक्ट समझ में आता है, सॉरी ज्यादा नहीं, समझ में आता है इफेक्ट। बड़े डेटा में इफेक्ट क्या आता है पता नहीं चलेगा क्या, हाँ क्या हुआ, पर छोटे डेटा में आपको साफ साफ पता चल जाता है। इसलिए हम छोटे डेटा से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि मैं हमेशा रैन बिटवीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले बता दू, रैन बिटवीन फॉर्मूला एक रैंडम नंबर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है कि बिटवीन टू नंबर्स में आप रैंडम ले सकते हो। जैसे कि ओपीटी वगैरह, वन टाइम ओटीपी होता है, सॉरी ओटीपी जो होते हैं ना, जो हर बार अलग होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता है उनका, इसी तरह से बनाता है और हर बार चेंज होते रहते हैं सर। जैसे आप कहीं डबल क्लिक करोगे ना, या फिर कुछ लिखोगे, तो ये अपने आपको चेंज। तो हमने इसको कॉपी किया जस्ट कंट्रोल सी, और जहां चाहिए हमने कंट्रोल वी कर दिया। ये तो हमारा कॉपी पेस्ट हो गया, और इसमें इस चीज को हमेशा हम यूज करते हैं। राइट सर, हाँ जी, अब इसमें बात आती है कि हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है। पेस्ट स्पेशल हमें ये परमिशन देता है कि हम जो है अपने हिसाब से, हाँ अपना ये चूज कर सके, मतलब कि कॉपी चूज कर सके। विनीत जी, मैंने मेल कर दिया आपको मैंने। नहीं सर, विनीत गुप्त अंडरस्कोर गुप्ता 73@yahoo.com। हाँ, VINEET_GUPTA@yahoo.com। याहू पे है ना, जीमेल से याहू पे टाइम लगता है सर, इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, zoom.us, US का अस पे जाइए, ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक कीजिए,
मीटिंग आईडी आपको मैं स्पेस करता हूँ, डाल दीजिएगा। तो जब हम पेस्ट स्पेशल यहाँ पे करते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप पेस्ट कर सकते, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं फॉर्मूला की, फॉर्मूला को ओके करते हैं। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको क्यों पेस्ट किया। तो नेम में फॉर्मूला का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्मूला होगा तभी पेस्ट करेगा। फॉर्मूला का मतलब होता है जो ऊपर फॉर्मूला बार में विजिबल होता है उसको पेस्ट करता है। जी बढ़िया, ठीक है। तो इसने ऐसा ही किया। एक एक यहाँ पे आता है हमारे पास, राइट क्लिक, एक मिनट कॉपी कर दिया, कॉपी किया। दूसरा आता है हमारे पे पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू का काम क्या है कि आपके फॉर्मूला को रिमूव करता, रिमूव करके पेस्ट करता है। ठीक है जी, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला हटा देता है, लेकिन यहां पे हमने कॉपी करके किसी और लोकेशन पे किया था ना सर। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मुझे फॉर्मूला रिमूव करना, कि मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला रिमूव करना, तो फॉर्मूला रिमूव करने के लिए हम इसको पूरे को यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हैं, हमारा फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हम ऑफिशियल लाइफ में काफी ज्यादा करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल और बताऊँ आपको कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिपोर्ट फाइल है, जैसे कि मैं एक रिपोर्ट फाइल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हम एक रिपोर्ट फाइल यहाँ से ओपन करते हैं, एरा। अब रिपोर्ट फाइल जो ये डेटा है और डेटा पे एक रिपोर्ट बना हुआ है, एरा। और रिपोर्ट्स कई सारे फॉर्मूले के साथ मिलके बना हुआ है और डेटा काफी बड़ा है। मुझे रिपोर्ट किसी को भेजना है। अब रिपोर्ट किसी को भेजना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि मुझे इसके साथ इसका डेटा भी भेजना पड़ेगा। जैसे कि मुझे किसी को मेल करना है सिर्फ इस सीट को, तो हम लोग क्या करते हैं, मूव एंड कॉपी करेंगे और इसको क्रिएट कॉपी और एक नई वर्कबुक पे इसको कॉपी करेंगे। पूरी की पूरी सीट को हमने कॉपी इस तरह से कर लिया एक फाइल अनदर फाइल पे। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया सर, यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ रहा है आपके सामने कि ये फॉर्मूला से लिंक है। अब यहाँ पे दिख इसलिए रहा है क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला ये फाइल अवेलेबल है, लेकिन ये फाइल में अगर आपको मेल करूं तो ये वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा सर, राइट? सही है। अवेलेबल नहीं होगा। हाँ जी। तो उस केस में मुझे इस सारे को कॉपी करके ये करना है। तो हम क्या करें, अब इसमें देखिए इसमें हेडिंग नहीं है, मतलब कि ये जो कोरो एंड कॉलम हेडिंग होते हैं वो नहीं है ना सर यहाँ पे। तो यहाँ हम जाएंगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पे ये देखिए हेडिंग हेडिंग व्यू एंड प्रिंट नेम, व्यू स्किप कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, व्यू कर दीजिए, आ गया। फिर इसको हम कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे।
ध्यान रखिएगा इस चीज को कि हम पूरे रिपोर्ट को कॉपी किए और इसी के ऊपर वैल्यू करके ओके कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि मेरा सारा फॉर्मूला रिमूव हो गया, बाकी जो ऑब्जेक्ट जैसा वैसा रहा लेकिन फॉर्मूला मेरा पूरा का पूरा रिमूव हो गया जैसा वैसा। अब ये किसी फाइल से लिंक नहीं है, नॉर्मल डेटा है, अब इसको इजीली हम मेल कर सकते हैं। जी। ठीक है, ये पेस्ट एज वैल्यू का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। अब एक चीज और देखिए कि हमारे रिपोर्ट में हमारे देखिए कॉलम के साइज को किसी हिसाब से अपने हिसाब से अर्जेंट किया एडजस्ट किया हुआ है, एक्चुअल कॉलम साइज नहीं है। उसी तरह से आप भी अपने डेटा को, आपका डेटा है उस डेटा को मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटो फिट हो जाएगा, ये ऑटो फिट हो गया। अब मैं इस पूरे एरिया को कॉपी करता हूं और कहीं पेस्ट करता हूं, तो ऐसा करने से क्या होता है कि मेरी कॉलम की जो विड्थ है वो पेस्ट नहीं होती है, तो नतीजा क्या होता है इसको वापस फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल, और इस पेस्ट स्पेशल में हमारे पास दूसरा आता है पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ, ओके कीजिए, ये आपका कॉलम विड्थ को पेस्ट कर देगा। हाँ जी। याद रखिएगा कि आप अगर पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं और कॉलम विड्थ लेते हैं तो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होगी, आपको बाकी का डेटा पेस्ट नहीं होगा। सरज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? म्यूट है आपका इसलिए मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर। आ रही है सर। ठीक है सर, ओके तो यहां पे कॉलम की विड्थ पेस्ट होगी, फिर दोबारा आपको डेटा पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो आप जब इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आइकन होता है, उस आइकन में देखिए यहाँ पे क्या है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इस पे क्लिक कीजिए तो इसकी सिर्फ कॉलम की विड्थ आएगी, विड्थ और डेटा दोनों इकट्ठे आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें एक चीज और आता है कि मैं यहाँ पे डेट भी डाल देता हूं, राइट? हाँ जी। तो डेट, और डेट को जब पेस्ट एज वैल्यू करते तो क्या होता है सर, नंबर्स में जाता है। यहां देखिए पेस्ट स्पेशल कर वैल्यू कर दिया नंबर्स में। अब ये नंबर्स क्या है पता है आपको सर? डेट ही है लेकिन नंबर्स के वर्जन में है। हालांकि है क्या है, इसे क्या डिनोट होता है, कोड है, नंबर है, क्या है? नंबर तो पता चला है कि हाँ 4653 है, लेकिन कोड होगा, डेट का कोड होगा वो। बेसिकली डेट का कोड नहीं है, ए नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर टू टिल डेट। हाँ कैसे बताता हूँ आपको, आपकी कंप्यूटर कैलेंडर बनी है 1 जैन 1900 से। अब इसको साबित कैसे करेंगे आप, तो आप कैलेंडर जाके देख सकते हैं, कैलेंडर पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको नहीं देखिए 1900 से पहले की डेट आपको नहीं दिखेगी। इससे एक एक मतलब और होता है कि अगर मैंने कोई डेट डाला यहाँ पे कि 10 जुलाई 1856, ये डेट नहीं माना जाएगा, तो इसको डेट नहीं मानेगा टेक्स्ट मानेगा, इस पे कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। जी। उसी तरह से अब यहां पे अगर मैं एक लिखा, एक दिन लिखा, और इसके ऊपर अगर मैंने जनरल फॉर्म इसमें नंबर फॉर्मेट कर देता हूं तो 1/1900 होता है। अगर मैं 3 31 दिन डालता हूं तो 31, अगर मैं जैसे 32 डालूंगा मंथ चेंज जनवरी जो है चेंज के होके फरवरी हो गया, ऐसे 3 5 डालूंगा तो ये दिखेगा आपको 30 तारीख का, और 3 67 डालूंगा तो देखिए ईयर चेंज हो गया। ऐसे में 43,647 दिन डाला तो ये 1 जुलाई 2019 आ गया। समझ गया। अब बात आती है कि सिस्टम ने ऐसा किया क्यों, प्रोग्रामर ने ऐसा क्या की क्यों किया, इसका जवाब यहाँ पे आता है कि अगर आप किसी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट लिख देते हो तो उस पे आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, जैसे कि यहां कोई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं।
तो सेम इसी तरह से अगर इस डेट के ऊपर, अगर मान लिया अगर डेट हमने लिखा है यहाँ पे और इसके ऊपर अगर हम कोई मैथ 20 ऐड कर दिया तो रिजल्ट आ जाता है। तो एक्चुअली में 20 ऐड भी 1 जुलाई 2019 पे नहीं हुआ है, 20 ऐड हुआ है 43,647 दिन पे, और रिजल्ट क्या आया है 43,667 दिन। नंबर में कैलकुलेट करने के लिए ऐसा किया गया है, ये आगे चल के आपका डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन में मदद करेगा, इसलिए चीज मैंने आपको यहां बताया। जी बढ़िया। जब हम कॉपी करके कहीं पे पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और आपका डेट भी एक तरह से फॉर्मेट है इसलिए इसको रिमूव कर देता है। लेकिन मुझे डेट टाइम वगैरह की फॉर्मेट चाहिए, बाकी फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो यहाँ आप वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो। वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट क्या करता है कि आपको जो नंबर की फॉर्मेटिंग है, अब नंबर की फॉर्मेटिंग क्या होती है, डेट टाइम डेसिमल कॉमा परसेंटेज ही होता है ना, वो फॉर्मेटिंग रखेगा और बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं रखेगा, और आपके सामने आपका रिजल्ट। जी ठीक है जी। अब इसमें इसमें अगला ऑप्शन हम बढ़ते हैं, जैसे अगला आप चलते हैं, इसमें 20 लिखा और 30 लिखा, राइट। अब मैं 20 को कॉपी, यहाँ पे 20 को कॉपी करके अगर 30 में पेस्ट करूं तो 30 रिप्लेस बाय 20। हाँ जी। लेकिन पेस्ट स्पेशल में अगर मैंने, यहां देखिए हमने पेस्ट के पेस्ट वाले सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं ऑप्शन वाले सेक्शन में। इसमें अगर मैंने ऐड क्लिक कर दिया तो अब क्या होगा, दोनों रिप्लेस नहीं करेगा, अब 20 + 20 = 40 रिजल्ट आएगा, 40 पेस्ट करेगा। मतलब कि जब आप ऑपरेशन में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में जहां पे कॉपी और जहां पे पेस्ट होता है उन दोनों के बीच में वो ऑपरेशन डिक्लेयर होता है, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है हमारे ऑफिशियल लाइफ में, तो उससे पहले हमें परसेंटेज के बारे में सीखना होगा। 20 है, 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल देंगे तो 20% हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं 20 लिखने के बाद इसके ऊपर अगर परसेंटेज का सिंबल दिया तो क्या होगा, 2000%। गलत है, मतलब कि 1 = 100% होता है, राइट। जी। अब मैं यहाँ पे 0.20 लिखूं उसके बाद परसेंटेज का सिंबल दूं तो 20% आएगा। जी। तो एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमारे कलीग थे वो क्या करते थे कि हमें कुछ डेटा भेजते थे परसेंटेज के सिंबल में, तो वो परसेंटेज का बस हेडिंग दे देते थे, वो परसेंटेज आखिर होता नहीं था, नंबर ही होता था, मतलब कि 63% होता था। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करके अपना जहां मुझे इसको यूज करना है वहां नहीं रख सकता, क्योंकि जहां मैं यूज करता था वहां पे 60% के सिंबल में चाहिए, तो मुझे जरूरत है कि हर सेल के अंदर जाऊं और परसेंटेज का सिंबल लगाऊं और इस पे इस तरह से क्लिक करूं, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। जी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम किसी अनोदर सेल पे कर्सर रख के 100 लिखेंगे और इस 100 को कॉपी करेंगे और पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इस पे हम करेंगे डिवाइड, तो हर नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, समझ गए, कोई डाउट इसमें? जी नहीं। चलिए इसका और भी यूज आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। अब क्या हुआ कि मेरे पास कोई फिगर है लेकिन उस फिगर में कुछ करेक्शंस है,
उस करेक्शंस को हमने करने के लिए अपने टीम को बोला, तो टीम ने उसको फाइंड आउट किया, उसके सामने उसका करेक्शन लिख दिया कि भाई 40 के जगह पे 45 है, 70 के जगह पे 65 है, 56 के जगह पे 58 है, इस तरह से उसने करेक्शन दे दिया। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं पूरा कॉपी करके इस पे पेस्ट तो नहीं कर सकता, ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जो ब्लैंक है वो करेक्ट है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। और एक एक कॉपी करेंगे तो भी टाइम लगेगा, और भी बाकी और भी मेथड फॉर्मूला फिल्टर, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट नहीं है जी। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और हमने कर देंगे स्किप ब्लैंक। तो स्किप ब्लैंक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें ऐड हो जाए या डिवाइड हो जाए तो भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। इस पे क्लिक करके स्किप किया तो ये आपका स्किप ब्लैंक क्या करेगा, जो ब्लैंक है उसको कॉपी से बाहर हटा देगा, जिस सेल पे वैल्यू नहीं है उसको कॉपी से बाहर हटा देगा, जिस पे वैल्यू है उसी को कॉपी करेगा, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा जी। बढ़िया। अब इसमें मैं इसको कॉपी करके एक चीज, अगला जो ऑप्शन आता है पेस्ट एज ए लिंक, मतलब कि एक डेटा को दूसरे जगह पे मुझे लिंक करना है कि यहाँ पे जो टाइप हो वो यहाँ भी टाइप हो जाए। तो जनरली हम लोग इक्वल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर को हम सिलेक्ट चारों तरफ सिलेक्ट करके नीचे की तरफ सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं होता है। तो जितने एरिया को या जिस पोर्शन को आपको लिंक करना है उस पोर्शन को कॉपी करें, पेस्ट स्पेशल में जाए और आपको पेस्ट एज ए लिंक पे क्लिक कर दें तो ये आपका लिंक हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ भी चेंजिंग करूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिक चेंज होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कलर चेंज किया तो वहां चेंज हो जाए, नहीं वो चेंज नहीं होगा जी। अब क्वेश्चन अगला आता है कि हम लोग जैसे मान लीजिए भी कॉलम, इस कॉलम को छोटा कर दिया राइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ नीचे इसका बड़ा डेटा लिखा होगा तो दिक्कत हो जाएगी नीचे ना सर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक छोटे से डेटा, एक बड़े से डेटा को एक छोटे से एरिया में दिखाना होता है जब हम लोग डैशबोर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे और उसको नॉर्मल डेटा की तरह नहीं, हम इसको पेस्ट एज ए पिक्चर कर देंगे। पेस्ट करने से क्या हुआ कि ये पिक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अपने हिसाब से बड़ा कर सकता हूं या अपने हिसाब से छोटा कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा डेटा से लिंक नहीं है, इस चीज का भी ध्यान आप रखिएगा। तो डेटा को अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो चाहे वो वैल्यू हो। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मेरा डेटा चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां पे पेस्ट स्पेशल यहां से खींचेंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पेस्ट एज ए आपका पिक्चर लिंक, ठीक है। अब मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरा डेटा चेंज होगा, देख रहा होगा चेंज हो रहा है, अगर मैं कलर चेंज किया तो कलर चेंज होगा, और सेम सीट विद इन सीट अनदर फाइल वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल सब में इस पिक्चर वाले मेथड को यूज कर सकते हैं आप जी। समझ में आया, कोई डाउट आप लोगों को? नो सर ना। आप लोगों का डाउट, बाकी लोग जो हैं विनीत जी एंड शरद जी? नहीं सर। किसी को डाउट है किसी तरह का? नहीं सर। नो सर। नो सर। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, राइट, कल की क्लास में इसका एडवांस वर्जन सिखाऊंगा। मतलब क्या है कि हर एक टॉपिक को पहले हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे फिर उसकी एडवांस कंसेप्ट करेंगे। देखिए पेस्ट स्पेशल आप लोग हमेशा यूज करते होंगे, सीरियसली करते हैं, दिन में 10 बार 20 बार 50 बार यूज करते हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल में हम लोग उतना यूज करते हैं जितना हमको जरूरत पड़ती है। लेकिन आज के मेथड में मैंने बताया तो आपको इसमें बहुत सारे चीज नहीं दिखी होगी सर, खासकर जैसे पेस्ट से वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग ऑपरेशंस, स्किप ब्लैंक, ये लोग ये जनरली लोग नहीं यूज करते हैं पेस्ट से लिंक।
हम लोग जनरली जो फॉर्मूला वैल्यू और फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, तो इसलिए इसलिए हम हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक जिसको आप डेली यूज करते हैं फिर भी आपको उसमें से कुछ ही चीज पता है बाकी चीज पता नहीं, इसलिए हम आपको हर टॉपिक को डिटेल में लेके चलेंगे। अगली क्लासेस हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि उसमें से अधिकतर चीज आपको आती हो लेकिन कुछ चीजें नहीं आती है, तो हम उस कुछ चीज के लिए पूरे को ब्रशअप करेंगे, ठीक है सर जी। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करें, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पिक्चर लुकअप, पिक्चर की लिंकिंग, बाकी पे कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में क्लिपबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आपके कुछ प्रॉब्लम होंगे उस पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक जी, बढ़िया, ठीक है जी, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल सर कितने बजे होती स्टार्ट ये? 10:20 के आसपास हो जाती है, 15 से 20 मिनट में हो जाती है सर। राइट सर, राइट सर, राइट सर। 11 बजे के आसपास तक चलती है, और क्लास की साइज जो है डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर और आपके क्वेश्चंस के ऊपर, समझ गए ना? आपने राइट राइट आपने क्वेश्चन आपने सपोर्ट मान लीजिए एक एक क्वेश्चन पूछ दोगे तो क्लास का टाइम जो है 10-20 मिनट बढ़ जाएगा, नहीं पूछोगे तो घट जाएगा। टॉपिक अगर बड़ा है तो भी बढ़ जाएगा, टॉपिक छोटा है तो घट जाएगा। राइट हम एक टॉपिक लेके चलते हैं कि एक टॉपिक लेके चलेंगे सर। सर मुझे ये पूछना था कि ये बेस्ट स्पेशल अगर मतलब हमको यहाँ पर घर पर अगर प्रैक्टिस करना हो तो उसको कैसे करें? तो सर अभी आपने आपके सामने में सिंपल सा डेटा बनाया है ना सर, उसी को ट्रिकी, क्योंकि अभी पहली क्लास में क्या आप लोगों को होमवर्क और क्या प्रोजेक्ट दो सर, अच्छा लगता? हाँ सर वो भी है, पहले स्कूल पहले दिन स्कूल मतलब रैंडमली कोई भी फंक्शन चूज करके देखे मतलब क्या रिजल्ट आता है उस तरीके से। आप आज की जो क्लासेस मैंने दिया उसको आप अपने ऑफिशियल वर्क पे यूटिलाइज करने की कोशिश करो जी सर, कि आज की जो ट्रेनिंग ली आपने उसको उसकी मदद से आप एक्सेल के किन कामों को आसान कर सकते हो। अगर आपने एक काम को भी एक काम में भी मेरी चीज को यूटिलाइज कर लिया तो आज की क्लास आपके लिए सार्थक है। जी हाँ सर, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना नॉलेज करना तो बाद में भूल जाओगे आप, आज आपने सीख लिया हाँ प्रैक्टिस कर लिया नोट कर लिया कल भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसको अपने वर्क में यूटिलाइज करोगे तो नहीं भूलोगे कभी। जी हाँ सर, और आपके आपकी काम भी ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जी जी ठीक है जी, तो कोई और कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके ओके, बाय, गुड नाइट जी, बाय बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।